नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। दोस्तों, आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 10 ईयर 2019-20 लॉन्च की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बेस प्राइस 4,260 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। आप इस स्कीम के तहत कम से कम 1 ग्राम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड अधिकतम 8 साल रहता है और न्यूनतम 5 साल रहता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई के द्वारा पीरियोडिकली लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्योरिटी 999 रहती है। आपको इसकी प्योरिटी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन्वेस्टर्स को इसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है उस पर 2.5% का वार्षिक ब्याज भी दे होता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। नॉर्मली जब हम गोल्ड खरीदते हैं हमें उसके लिए लॉकर्स भी खरीदने पड़ते हैं और उसके अलावा उसका पॉलिश का चार्ज और काफ़ी सारे मेंटेनेंस चार्ज होते हैं। आपको यहाँ पर वो कोई भी पे नहीं करना। और सबसे खास बेनिफिट ये है कि आपको जो कैपिटल गेन होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आप मैच्योर करवाएंगे 8 साल के बाद, जब आप मैच्योर कराएंगे जो आपको कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। ये खाली आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही मिलेगा, ना तो आपको फिजिकल गोल्ड में मिलेगा ना ही आपको ETF में मिलेगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड बेचते हैं तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो आपको कैपिटल गेन होता है उस पर, और जब आप ETF बेचते हैं मतलब मैच्योर कराते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं है और ये स्कीम तभी लागू होती है जब आप इस स्कीम से पूरे 8 साल के बाद बाहर आते हैं। अगर आप 8 साल से पहले अपने बॉन्ड को बेचते हैं या फिर 5 साल पूरे होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करते हैं, उस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप इस स्कीम से 8 साल से पहले भी बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बॉन्ड को बेच सकते हैं, या फिर अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो आप अपने बॉन्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस भी कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर जो रिटर्न होते हैं वो मार्केट में जो गोल्ड होता है उसकी वैल्यू में जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आते हैं उन पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपने आज से 1 साल पहले 30,000 रुपये पर 10 ग्राम परचेज किया हो तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 42,000 रुपये 10 ग्राम हो चुकी है। तो इस तरीके से कुल 12,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है। इस पर भी फ़ायदा उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमें फिजिकल गोल्ड पर होता है। जो गोल्ड बॉन्ड है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसका कोई भी होल्डिंग जो प्राइस होता है वो हमें पे करना नहीं पड़ता। इसके अलावा इस पे हमें GST जो कि फिजिकल गोल्ड पर लगता है 3%, वो भी नहीं देना पड़ता। ध्यान रहे, इस बार सीरीज 10 के तहत गोल्ड बॉन्ड खरीदने की आखिरी तारीख 6 मार्च है। तो आप 6 मार्च तक बैंक से या फिर ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।